चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है आपका यूनिट यूनिट ना बोल के चलिए इसको आप पार्ट बोल दीजिए, पार्ट फाइव है ना, पार्ट फाइव। और ये बेसिकली है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बोला जाता है। तो हम इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, मतलब कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे सब चीजें होता है, तो वो सब हम लोगों को देखना है। तो हम पहले तो सबसे पहले आपको मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन को आपको मैं पहले समझाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए अगर आप सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल बोलने से समझ जाना चाहिए ना कि आप प्रधानमंत्री उस तरफ की बात कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन एडमिनिस्ट्रेशन सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास है। प्रधानमंत्री क्या सारा काम खुद से करते हैं, अगर ऑफिशियल वर्क करना है तो वो किसी एक आईएएस ऑफिसर की मदद लेते हैं, और जो पूरे देश का सबसे हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर है उसको बोला जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी अगर मैं शब्द बोलूं तो आपको समझ जाना है ये एक आईएएस ऑफिसर है जो सबसे हाईएस्ट पद पे अभी बैठा हुआ है, मतलब सारे आईएएस का बाप है ये बोल सकते हैं वैसे, है ना। तो ये सबसे हाईएस्ट पद पे है। वैसे ही अगर आप मैं स्टेट के लिए बोलूं तो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो सीएम करता है ना। और सीएम करते हैं तो किस आईएएस ऑफिसर की मदद लेते हैं, कोई बता सकता है क्या? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो आप कभी भी मुख्य सचिव का अगर नाम सुनेंगे तो मुख्य सचिव यही होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। सीएम चीफ सेक्रेटरी के बेसिस पे सारा काम करते हैं, ये स्टेट के सबसे हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। और अगर मैं इसी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाता हूँ, क्योंकि एक देश है, देश में राज्य है, राज्य में जिले हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं चले जाता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे हाईएस्ट कौन होता है, तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है और नगर निगम है तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो जिसके पास पावर होता है वो मेयर के पास होता है ना, मेयर के पास होता है। और यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर होता है वो कौन होता है, कौन बताएगा? अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। ऑब्वियसली यार कलेक्टर होता है, इतना तो पता होना चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट में एक जिले में कलेक्टर ही सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने पार्ट फाइव में। आपका जो पार्ट फाइव है वो ना टोटल 52 आर्टिकल से, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, एक आर्टिकल से चार आर्टिकल तक आपका पार्ट वन था, ठीक है, 5 से 11 आर्टिकल आपका पार्ट टू था, 12 से लेके 35 आर्टिकल पार्ट थ्री था, और आपका कहाँ थे अपन, सॉरी 12 से 35 है ना, और उसके बाद 36 से 51 तक पार्ट फोर था जो अभी हम लोग पढ़े, और 52 से 151, आप सोच सकते हैं लगभग 100 आर्टिकल है इसमें, तो 100 आर्टिकल पार्ट फाइव में आते हैं, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए कभी भी मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब ये सारे शब्दों को याद रखिएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखिए एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, कौन कौन करेगा इसमें, कौन कौन आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, और आपका प्राइम मिनिस्टर इज अ यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अगर मैं आपको लेजिस्लेचर पूछता हूँ तो लेजिस्लेचर में कौन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आएगा। लेजिस्लेचर का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा चीज जो कानून बनाता है, तो पार्लियामेंट ही, संसद ही ऐसा होता है जो कानून बनाता है, इसको अपन लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जुडिशरी अगर मैं पूछूंगा कि यूनियन लेवल पे जुडिशरी कौन करता है, तो होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, और आप इसमें कैग भी बोल सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन अभी चलिए इतना आप याद रखिएगा। ये सब मैं आप एक एक को डिटेल में बताते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग एक काम करते हैं कि ना
थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में अगर आप देख लिए तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम आगे पीएम वीएम के बारे में नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय साहब कैसे सेलेक्ट होते हैं और हमारे संविधान में एक्चुअली इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 52 आर्टिकल से लेकर 62 आर्टिकल तक इनके बारे में वर्णन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में ना, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या समझिए। देखिए एक जब गवर्नमेंट होता है ना, हमारे देश का गवर्नमेंट, ये दो टाइप के रूल चलते हैं। कोई भी गवर्नमेंट में आप दुनिया की गवर्नमेंट देख लीजिए, उसमें दो टाइप के रूल चलते हैं। एक तो रूल चलता है प्रेसिडेंशियल रूल, जहां पे प्रेसिडेंट रूल करते हैं, और एक टाइप का गवर्नमेंट होता है जो पार्लियामेंट्री रूल चलता है, जिसमें पार्लियामेंट रूल करता है ना। प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है कि एक रूलर होता है, ठीक है, एक रूलर होता है, वो उसके पास पावर भी होता है और वही यूज भी करता है ना, वही पावर भी होता है, उसके पास यूज भी करता है। और इस केस में वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट होता है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास पावर भी होता है, वही यूज भी करते हैं, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना दो रूलर होते हैं, जानते हैं दो रूलर होते हैं, कौन कौन, एक जिसके पास पावर होता है और एक जो उसको यूज करता है। पावर किसके पास होता है, जैसे पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, मतलब हमारे संविधान में जितना भी पावर लिखा है सब प्रेसिडेंट के पास लिखा है, प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ऐसा टाइप का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन, एक्चुअली ब्रिटेन में किया जाता था और ब्रिटेन से हम लोगों ने ले लिया है। तो लेकिन ब्रिटेन में इसको प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता, उसको महारानी कहा जाता है। आप कभी कभी सुनते होंगे क्वीन ऑफ इंग्लैंड वगैरह, तो वहां पे रानी को सारा पावर दे दिया जाता है लेकिन वो यूज नहीं करती, वहां पे भी यूज प्रधानमंत्री ही करता है और होता है। तो ये एक गवर्नमेंट का फॉर्म है बेसिकली। प्रधानमंत्री, सॉरी, जो राष्ट्रपति हमारे देश में होना चाहिए, ये बात अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रेसिडेंट का सब कुछ रोल है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने वहां से ले लिया और हम लोगों ने सोचा कि हम भी रानी वानी कुछ नहीं रखेंगे, हम प्रेसिडेंट रखेंगे और उसको हम लोग ऐसे ही दे देंगे कि पावर आपके पास रहेगा, आपके नाम से रहेगा, लेकिन यूज पीएम करता है। तो इसको ना आपके क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत देश का ऑफिशियल हेड कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, ऑफिशियल हेड, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मतलब ये ऑफिशियली हमारे देश के सबसे हेड हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन इनके पास जो पावर्स होते हैं वो बिल्कुल नॉमिनल पावर्स होते हैं, मतलब नॉमिनल का मतलब होता है जो नाम मात्र के पावर हैं, मतलब उनको नाम का पावर दिया गया है लेकिन एक्चुअल पावर नहीं दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री जो होते हैं इनको रियल हेड कहा जाता है, जैसे इनको ऑफिशियल हेड कहा जाता है वैसे इनको प्रधानमंत्री को रियल हेड कहा जाता है, और इनके पास जो पावर होते हैं वो बिल्कुल रियल पावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, इसीलिए आपको कभी कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है तो आपको समझा देना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो रूलर होते हैं, एक के पास पावर होता है, एक के पास यूज होता है। नॉमिनल पावर जो होते हैं प्रेसिडेंट के पास होते हैं, हमारे यहाँ जैसे होता है, और यूज प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद भले अपन आगे पीछे देखते रहेंगे। आर्टिकल 52 बेसिकली ये कहता है कि हमारे देश में ना एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो हमारा ऑफिशियल हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, हमारे फर्स्ट सिटीजन होगा। आप सुने कभी, हमारे देश का पहला नागरिक इसी को कहा जाता है, मतलब इन्हीं को कहा जाता है, राष्ट्रपति को। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब जब जनगणना होती है, आपको पता होगा हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, तो इन्हीं से वो काउंटिंग स्टार्ट होता है बेसिकली। जब
फर्स्ट सिटीजन इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की जब भी काउंटिंग होगी तो सबसे पहला व्यक्ति इन्हीं को काउंट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग आगे बढ़ाते हैं, तो इनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे बड़ा पद इन्हीं का है, मतलब अगर आप संविधान के दायरे में अगर आप खड़े कर दें तो प्रधानमंत्री अगर खड़ा है तो प्रधानमंत्री के ऊपर मतलब से आगे राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल सबसे पहला रहेगा, फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति रहेंगे, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और उसके बाद आपके लोकसभा हेड आएंगे, फिर सीजे आएंगे और उसके बाद आपके प्रधानमंत्री आएंगे, मतलब इस पावर में इन लोग का वो रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रहता है बेसिकली, है ना। तो आर्टिकल 52 बेसिकली यही कहता है कि होंगे राष्ट्रपति होंगे। और उसके बाद देखिए आर्टिकल 53 में तो पावर्स, उनके पावर्स के बारे में मेंशन है, पावर्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आपको मैं एक काम करता हूं, आई थिंक हम थोड़ा सा इलेक्टोरल कॉलेज को देखते हैं कि ये सेलेक्ट कैसे होते हैं, है ना। आर्टिकल 54 और 55 के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आर्टिकल 54 और 55 के बारे में कि एक राष्ट्रपति सेलेक्ट कैसे होता है, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखिए आर्टिकल 54 ना इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट ऐसा ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हो जाता, मतलब प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो हम ऐसा नहीं होता है कि हम भी जाके वोट दे के आ गए कि हम राष्ट्रपति को चुनेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि हम दोनों को क्यों नहीं इलेक्ट करते, अगर हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम दोनों को वोट देने क्यों नहीं जाते। बात यह होती कि अगर हम दोनों को वोट देने जाते ना तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता कि ये ज्यादा बड़ा है या ये ज्यादा बड़ा है, क्योंकि दोनों को तो हमने ही वोट दिया है, इसीलिए हम जिसको वोट देते हैं वो एक रियल हेड बन जाता है और इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये एक ना ग्रुप है, उन्हीं लोग इसको वोट देंगे। अब ये ग्रुप कहाँ से आया बेसिकली और ये ग्रुप कौन कौन होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन वोट दे सकते हैं, मतलब जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कौन व्यक्ति इनको वोट दे सकता है, तो मैं आपको लाइन वाइज बताते रहता हूँ। सबसे पहले आप सेंटर लेवल पे चलिए, तो सेंटर लेवल पे एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है, है ना। तो लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों के दोनों जो इलेक्टेड वाले हैं वो इनको वोट दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्ट नहीं होते, वो नॉमिनेट होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि लोकसभा है ना, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 545 लोग लोकसभा में जा सकते हैं, है ना। लोकसभा आप समझ रहे होंगे, प्रधानमंत्री वगैरह सबको हम लोगों ने लोकसभा में ही सेलेक्ट किया है, लोकसभा क्षेत्र था उनका बनारस, है ना, उन लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, बिलासपुर से अरुण साव लोकसभा सांसद है ना। तो टोटल जो सीट होता है वो 545 सीट होता है, जिसमें ना 543 जो सीट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, मतलब आप चुनाव करते हो, और इसमें से दो ही ऐसे सीट हैं जो नॉमिनेट होते हैं, एंग्लो इंडियन वाले लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। आपको पता होगा कि 1961 तक हमारा जो देश है, गोवा वगैरह हमारे कब्जे में नहीं था, वो फ्रांस के कब्जे में था, फ्रेंच में था, तो ना हम लोग क्या हुआ कि कुछ बेचारे, अब उन लोग तो हमारे देश में बहुत बात गए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है यार आप जा चले जाओ, आपके कुछ लोग जो बच जाएंगे हमारे देश में ही रह जाएंगे, मतलब जो है उनको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे देंगे। तो कुछ जो दो सीट है ना यहाँ पे वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहता है ना, तो एंग्लो इंडियन के लिए आप कभी कभी देखेंगे ये होते हैं, अच्छी बात है। तो ये जो दो लोग होते हैं ना, ये दो लोग वोट नहीं देते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये जो लोग नॉमिनेट होते हैं वो नॉमिनेट ही खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ही लोगों को, मान लीजिए किसी अच्छे अपने रिश्तेदारों को, मान लीजिए रिश्तेदारों को अगर वो बना दिए, तो कल के डेट में जब इनका चुनाव होगा फिर दोबारा, मान लीजिए ये दोबारा खड़ा होना चाहेंगे इलेक्शन के लिए, तो ये फिर इन्हीं को वोट दे देंगे, तो ये तो साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए इन लोगों को हटा दिया गया कि भैया आप तो उन्हीं के द्वारा आए हो तो आप फिर वोट नहीं दे सकते, तो नॉमिनेटेड वोट नहीं दे सकते। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, 245 में आपको
पता होना चाहिए कि 233 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं, और उसमें 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो इसमें 12 मेंबर एंग्लो इंडियन वाले नहीं होते, इन लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। अगर आपको पता होगा तो सचिन तेंदुलकर भी एक समय में ये राज्यसभा का मेंबर था, ये नॉमिनेट होके आया था। तो आर्ट के हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, सोशल सर्विस हो गया, जिस फील्ड से लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और यहाँ पे राज्यसभा में लोग आते हैं, है ना। तो अब नॉमिनेट भी खुद प्रेसिडेंट करता है, तो प्रेसिडेंट को इन लोग फिर से तो वोट दे नहीं सकते, तो ये भी वोट नहीं दे सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में। ये 233 दे सकते हैं, ये 543 दे सकते हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं किसमें, राज्य में आते हैं। अगर हम लोग एक छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा हैं, विधान परिषद तो है नहीं छत्तीसगढ़ में, विधानसभा है, कितने सीट हैं, तो 90 सीट है। 90 सीट में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 90 सीट तो है, लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली 91 है। एक सीट हमारा एंग्लो इंडियन के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ में रिजर्व रखते हैं, लेकिन वो ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ अगर वो एंग्लो इंडियन इस 90 में ही सेलेक्ट होके आ गया तो ये सीट फालतू जाती है और कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए 90 सीट में कोई एंग्लो इंडियन नहीं आया, तो गवर्नर क्या करेगा, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा और उसको विधानसभा का एक मेंबर बना देगा। लेकिन अब बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही गवर्नर बनाते हैं, गवर्नर इनको बनाएगा, तो अल्टीमेटली अगर इन लोग इसको वोट दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको भी हम लोग जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है तो हम इनको शामिल नहीं करते, है ना। तो सिर्फ ये लोग सेलेक्ट होते हैं। तो अब मैं आपको फाइनल किस्सा बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट देने वाले होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ही इनको वोट दे सकते हैं। दूसरी बात, राज्यों के, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भी इलेक्टेड जो पर्सन होंगे, जैसे हमारे यहाँ पहले बिलासपुर में, अभी बिलासपुर में शैलेश पांडे हैं, है ना, तो शैलेश पांडे जी वोट देने जाएंगे क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो मेंबर जाएंगे। पहले ये नहीं था, लेकिन फिर दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राज्य बना दिया गया था, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के भी, क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरी के में मतलब के लोग नहीं जाते, दिल्ली और पौंडीचेरी के में विधानसभा है, तो विधानसभा के लोग जो इलेक्टेड होते हैं उन्हीं लोग वहां पे जाके दे के आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर जगह के इलेक्टेड लोग ही जाके वोट दे के आते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो आप कभी भी प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो भी जाएगा वोट देने, हमारे क्षेत्र का जो सांसद है वो भी जाएगा वोट देने, ठीक है, तो नॉमिनेटेड पर्सन कभी नहीं जाते। दूसरा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कई बड़े बड़े राज्य में MLC भी होते हैं, विधान परिषद जिसको बोलते हैं, तो उन लोग भी वोट देने नहीं जाते, क्योंकि उन लोग भी चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये याद रखिएगा, उन लोग वोट देने नहीं जाते क्योंकि बेसिकली उनका कोई रोल पहले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है, तो उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता MLC लोगों को, ठीक है। अगर आपका CM जो है ना, CM वो अगर MLC है ना, तो भी वो वोट नहीं दे सकता। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ एक MLC है, ठीक है, तो वो MLC लोग वोट नहीं दे सकते, तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होगा तो ये वोट देने नहीं जा सकते, है ना, तो ये चीजों को याद रखिएगा। और दूसरी बात है कि ठीक है, इतना है आपको। अब ये इलेक्शन कैसे होता है और क्या 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 प्रोसीजर है वो सब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आई थिंक ये क्लास के लिए इतना ही काफी रखते हैं अपन।